वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? सब खैरियत से? आज शाम की अपडेट और नए टॉपिक के साथ जो है वो बच्चों की डाइट है। जैसे कि मेरा बच्चा है 2.5 से 3 महीने का है, तो उसकी डाइट क्या होनी चाहिए, किस तरह उसको दाने पे लाएँ, ये सब मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि ये छोटा है तो अभी मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो दाने पे ला रहा हूँ। ठीक है, दाने में मकसद मैं इसको छिलका वगैरह ये अब खाने लगा है, छिलका भूसी चोकर। ये बकरी थोड़ी तंग कर रही है मुझे बार बार, तो छिलका जो है वो अभी उठाने लगा है भरपूर, और चोकर भी मैं मिला देता हूँ, चोकर कम छिलका ज़्यादा। तो छिलका ये माशाल्लाह शौक से खाता है, तो अब मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको जो है दाने पे भी लगाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी इसको छिलका ही खिलाऊंगा। ठीक है, जब ये छिलका भूसी आराम से उठाने लगेगा, थोड़ा इसकी सेहत पे लगेगा, ठीक है, मैं देखूँगा इसकी एजी हो गई, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है मैं इसको, मैंने लूसन भी लगा दिया, ऐसा ऐसा लूसन खाता है जंतर के थोड़े थोड़े पत्ते वो ये खाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये छिलका जो है ना, देख रहे छिलका, और थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का मैंने इसमें वो रखा है, हल्का मामूली जो है वो टूरी है, और छिलका ज़्यादा है, मतलब 90% छिलका है, तो 10% 15% जो है वो इसमें टूरी होगी, बाकी थोड़ा सा मैंने इसमें चोकर ही मिला है, लेकिन चोकर कम रखा है। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं लाऊंगा, इससे पहले मैं इसका मैदा बना दूंगा, ठीक है, और फिर मैं इसको दाने पे लाऊंगा। क्योंकि बच्चे की सबसे ज़्यादा मौत की वजह जो बनती है ना, मोर्टेलिटी रेट जो होता है, वो मोशन की वजह से होता है। बच्चों को मोशन लगता है और मोशन संभलता नहीं है, बिगड़ जाता है, बच्चे आपके मर जाते हैं। तो सबसे पहले आप बच्चों को मोशन से बचाएं, इनकी डाइट प्लान सेट करें, डाइट ऐसी हो इनको मोशन ना लगे, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता इनको चारे पे लाएं, चारे से फिर दाने पे लाएं, उसकी मिकदार बढ़ाते रहें और मैक्सिमम लेवल पे लेके जाएं एज वाइज। जैसे कि अभी ये 2.5 3 महीने से ऊपर हो गया, दूध की उम्र 3 महीने तो पिलाना चाहिए, पिला दिया इसको, अब ये आहिस्ता आहिस्ता दाने पे आएगा। तो अब ये छिलके से मैंने स्टार्ट किया, थोड़ी थोड़ी इसकी डाइट चेंज करने के लिए तूरी भी डाल दी, तो ये इसका प्लान अभी रखा हुआ है। तो जो न्यू जो है वो ये शौक रखते हैं, तो उनके लिए भी ये मालूम है कि किस तरह जो है वो इसको प्लान करें और जानवर को अपने बचाएं, क्योंकि बच्चों का मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा होता है और यही आपका प्रॉफिट होता है। और न्यू गोट फार्मर ने बकरी बच्चे दे रही है, ये आपका फ़ायदा है, बाकी पूरे साल तो आप खिला ही ना इसको, ठीक है ना। तो उस पर थोड़ा तवज्जो दें, जानवर को पहले, बच्चे को पहले छिलका, छिलके पे स्टार्ट करें, ठीक है, छिलका भूसी थोड़ा 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 पूरी भी दे दें, चारे हर चारे में मुँह लगाएं, ये ना हो कि एक ही चारा खाता हो बस, सब खाता हो जानवर आपको, जो खिलाएं वो खाए, ठीक है ना। तो इस तरह कुछ इसका आप डाइट प्लान करें और उसको फिर लाने पे ले आए ऐसा ऐसा, और फिर मैक्सिमम लेवल पे ले जाएं, जब 1 साल का हो जाए और उससे बड़ा हो जाए तो फिर वो मैक्सिमम लेवल पे दाने पे ले जाएं, वो इसकी प्रोग्रेस के हिसाब से उसको ले जाएं, ठीक है गाइस। बाकी कोई कमेंट, कोई क्यूरी, कोई सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अब तक के लिए इतना गाइस, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।